आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल स्केलबॉट पे। ये वीडियो वेब डेवलपमेंट से रिलेटेड है। इस वीडियो में हम APIs बनाना सीखेंगे और उन APIs को फ्रंट एंड में एंगुलर से हिट करवाएंगे। इस सीरीज में हम फ्रंट एंड और बैक एंड दोनों पे काम करेंगे। अभी यू गाइज डोंट नीड टू वरी अबाउट कि ये चीज़ें क्या हैं। इस वीडियो को देखने के बाद आप अपने खुद के वेब पेजेस बना के उसमें डेटा स्टोर या रिट्रीव और बाकी फंक्शनैलिटीज को कस्टमाइज कर सकेंगे। तो विदाउट एनी फर्दर ड्यूज लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हम देख लेते हैं कि इस वीडियो के प्रोजेक्ट को करने के लिए आप लोगों के सिस्टम में क्या क्या रिक्वायरमेंट्स होनी चाहिए, कौन कौन से सॉफ्टवेयर होने चाहिए। तो सबसे पहले आपके पास Node.js होना चाहिए। Node.js क्यों होना चाहिए? क्योंकि हम लूपबैक पे काम करने वाले हैं। लूपबैक जो है वो एक एक्सप्रेस बेस्ड Node.js का फ्रेमवर्क है जिससे हम बैक एंड APIs बनाते हैं या माइक्रो सर्विसेज बनाते हैं ऑन डेटाबेसिस रेस्ट और सोप। उसके बाद हमें चाहिए XAMPP ताकि हम अपना MySQL डेटाबेस का एक सर्वर क्रिएट कर सकें। अगली चीज़ चाहिए हमें VS कोड जिसमें हम अपना कोड लिखेंगे, देखेंगे, इवन एडिट करेंगे। उसके अलावा आखिरी चीज़ हमें चाहिए NPM, नोड पैकेज मैनेजर। ये नोड पैकेज मैनेजर जो है वो नोड का लाइब्रेरी मैनेजर है, तो इससे हम लूपबैक और एंगुलर की लाइब्रेरीज को डाउनलोड कर सकते हैं। सो मूविंग ऑन, लेट्स सी व्हाट आर वी गोइंग टू डू इन दिस प्रोजेक्ट। सो अब हम देखते हैं कि हम क्या बनाने वाले हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम APIs बनाने वाले हैं लूपबैक 4 का इस्तेमाल करके टू स्टोर डेटा इन MySQL डेटाबेस। इससे मेरा क्या मतलब है? फॉर एन एग्जाम्पल मान लीजिए कि मैं एक रजिस्ट्रेशन पेज बनाता हूँ। आपके पास उसका फ्रंट एंड तो दिख रहा है कि वो रजिस्ट्रेशन पेज है, साथ में आपको उसमें कुछ डेटा इनपुट करना है आपके वेब पेज पे, और उसके बाद लास्ट में आपके पास रजिस्टर का बटन है। तो जब आप इस रजिस्टर का बटन पे क्लिक कीजिएगा, अपना डेटा फिल करके, अपना नाम, इवन अपना फ़ोन नंबर, ईमेल आईडी, ये सब कुछ डालकर, तो हम ये डेटा को लेकर हम MySQL डेटाबेस में जाकर के स्टोर करवाएंगे। ये जो हम काम करेंगे ये हम करेंगे थ्रू APIs। तो हम इसके लिए पहले एक API बनाएंगे। अब मान ही लीजिए कि आप रजिस्ट्रेशन करवा रहे हैं तो ऑब्वियसली आप अपनी साइट पर लॉग इन करवाइएगा। तो जब आप ये लॉग इन करवाइएगा तो आप उसमें यूज़र नेम और पासवर्ड लीजिएगा। तो इसके लिए हमें ऑथेंटिकेशन की ज़रूरत पड़ती है कि क्या यूज़र को वो डेटा एक्सेस करने देना है। तो जो ये ऑथेंटिकेशन है ये भी हम अपने लूपबैक 4 से कर सकते हैं। हाँ, हम कर एंगुलर से भी कर सकते हैं ऑथेंटिकेशन प्लस वैलिडेशन, बट हम ये लूपबैक 4 बैकएंड से कर रहे हैं। हम बैकएंड से ही इसको ऑथेंटिकेट करेंगे। अगर वो हमारा यूज़र है तो हम इसे बैकएंड से ऑथेंटिकेट करके उसको परमिशंस दे देंगे एक्सेस करने के लिए डेटा को, और अगर वो नहीं है तो हम मना कर देंगे। तो हम ये सारी चीज़ें अभी क्रिएट करने वाले हैं अपने इस सीरीज़ में। दूसरी चीज़ जो हम क्रिएट करेंगे, हम एक रजिस्ट्रेशन पेज क्रिएट करेंगे इन एंगुलर। तो एंगुलर जो है वो एक फ्रंट एंड फ्रेमवर्क है, इसमें हम फ्रंट एंड पे काम करते हैं। यूजिंग एंगुलर हम लूपबैक की सर्विसेज को एक्सेस करेंगे। सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम लेट्स स्टार्ट बिल्डिंग आर APIs। APIs बनाने के लिए सबसे पहले हम एक प्रोजेक्ट फोल्डर बना लेते हैं। आप एक प्रोजेक्ट फोल्डर बना के इधर यहाँ पे CMD लिख के एंटर कर सकते हैं, या फिर आप यहाँ पे ओपन विद कोड करके VS कोड से टर्मिनल में काम कर सकते हैं। आपको जो भी काम करना है आप दोनों जगह से कर सकते हैं, सो दैट्स नॉट एन इश्यू। अगर आपको कोई बोल रहा है कि लूपबैक पर मैं आप कमांड लाइन में कीजिए तो आप कमांड लाइन में भी कर सकते हैं। सो हम यहाँ पे एक नया टर्मिनल बना लेंगे और उसके बाद हम कमांड डालेंगे NPM install। तो इस कमांड से आपके जो भी डिपेंडेंसीज हैं एक नोड के फाइल को चलाने के लिए, देखिए यहाँ पे लेफ्ट साइड पे package.log.json आ गया फाइल, तो आपको ये फाइल नीडेड होता है टू रन योर लूपबैक कोड। सो ओके मूविंग ऑन, अब हम करेंगे npm ig @loopback and CLI। अब आप ऐसा मत सोचिएगा कि मैं ये कमांड्स कहाँ से ला रहा हूँ। अगर आप लूपबैक 4 के डॉक्यूमेंटेशन में जाके देखेंगे तो आपको ये कमांड्स वहाँ पे मिल जाएंगे, या फिर आप इंटरनेट पे सर्च कीजिएगा तो भी आपको ये कमांड्स इजीली अवेलेबल मिल जाएंगे। ठीक है, तो अब मैं इसे रन करूँगा एंड इससे क्या होगा कि ये जो लूपबैक का कमांड लाइन इंटरप्रेटर है ये ग्लोबली आपके कंप्यूटर में इंस्टॉल हो जाएगा। तो अगली बार आप किसी भी फोल्डर में जाके अगर लूपबैक 4 का कोई कमांड देते हैं तो आपके सिस्टम या कमांड लाइन को पता रहेगा कि ये कमांड हमारी लूपबैक की है। सो फॉर दैट अभी हमने ये कमांड चलाया है, तो ये इंस्टॉल होने में थोड़ा सा टाइम लेगा, बट एक बार ये इंस्टॉल हो जाए तो अब आप लूपबैक 4 के कमांड्स दे सकते हैं यहाँ पे। तो जब भी आप एक लूपबैक 4 प्रोजेक्ट को बनाने जा रहे हैं तो आपका सबसे पहला काम कोई भी नए प्रोजेक्ट को बनाते वक्त होगा उस प्रोजेक्ट को क्रिएट करना। तो आप एक LB4 ऐप से एक लूपबैक 4 का प्रोजेक्ट क्रिएट कर सकते हैं। जब यहाँ पे आप LB4 ऐप डालिएगा तो अब देखिए हमसे पूछ रहा है प्रोजेक्ट नेम। फॉर दिस प्रोजेक्ट मैं इसका नाम रख लेता हूँ प्रोजेक्ट 1
हम इसमें अपना रजिस्ट्रेशन फॉर्म बनाएंगे, उससे डेटा लेंगे और अपने डेटाबेस में इनपुट करवाएंगे। तो अब इस प्रोजेक्ट डिस्क्रिप्शन में आप ये भी डाल सकते हैं कि वी आर गोइंग टू मेक प्रोजेक्ट इन लूपबैक 4। तो आप कुछ भी डिस्क्रिप्शन दे सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं। ये आपसे उसके रूट डायरेक्टरी पूछ रहा है, तो रूट डायरेक्टरी में या तो आप कोई फोल्डर दे सकते हैं, या फिर अगर आपने इसी जो प्रोजेक्ट वन लिखा है छोड़ दिया, तो ये इसी नाम से एक फोल्डर को क्रिएट कर देगा। अब आपसे ये पूछेगा एप्लीकेशन क्लास नेम। तो एप्लीकेशन क्लास नेम में आपको प्रोजेक्ट वन एप्लीकेशन ही रखना है। अभी एप्लीकेशन क्लास नेम क्या है, आपके लिए ये एक फाइल बनाएगा पूरी, तो उसके लिए आप एप्लीकेशन का नाम पूछ रहा है। तो ये आपसे एप्लीकेशन के नाम में आप इसको प्रोजेक्ट वन दे दीजिए, या जो भी आप देना चाहें बैकस्पेस मार के दे सकते हैं। मैं अभी यही छोड़ रहा हूँ, एंटर। अब देखिए, अब ये पूछ रहा है कि क्या आपको ये सारे फीचर्स लूपबैक 4 में चाहिए। तो जनरली आप इसमें सिलेक्ट कर सकते हैं, बट दैट्स ऑन एन एडवांस लेवल। अभी ये जितने आ रहे हैं विल हैव टू टेक देम ऑल। अगर आपको ये जानना है कि इसे सिलेक्ट या डीसिलेक्ट कैसे करना है, तो आप स्पेस दबाइएगा तो ये डीसिलेक्ट हो जाएगा, और वापस से स्पेस दबाइएगा तो ये वापस से सिलेक्ट हो जाएगा। अदर देन दैट आप एंटर मारिएगा तो फिर ये इसे रिसीव कर लेगा, और अब ये हमारे लिए हमारा लूप बैक का फोल्डर पूरा प्रोजेक्ट एक साथ क्रिएट करके दे देगा। एंड देन वी विल सी कि उस फोल्डर में हमें क्या क्या मिला है। तो अभी हमारा प्रोजेक्ट बन चुका है, और मैं अपने प्रोजेक्ट के फोल्डर के अंदर आके एक SRC फोल्डर के अंदर हूँ। तो ये हमारा पूरा लूपबैक 4 का प्रोजेक्ट बन जाता है जब हम LB4 ऐप कमांड डालते हैं, और उसमें हम अपने प्रोजेक्ट के फोल्डर का नाम डालते हैं, रूट डायरेक्टरी देते हैं, और उसको वो सारा का सारा प्रोजेक्ट हमारा क्रिएट हो जाता है सिर्फ उस कमांड से। अब जो हमें बेसिक फाइल्स हैं, हमें खुद से बनाने की ज़रूरत नहीं है, बट जो ये फाइल्स हैं हम इनमें अपने खुद की चीज़ें भी डाल के एडिट करके बना सकते हैं। अभी हम आगे आगे दिखेंगे कि हम वो कैसे करेंगे, तो आप ये टेंशन मत लीजिए कि ये सारी फाइल्स क्या हैं, ये सारी फाइल्स क्या कर रही हैं। मैं आपको ये धीरे धीरे इस सीरीज़ में आगे सब कुछ समझाऊंगा। अभी के लिए हम बात करते हैं कि अभी तो ये प्रोजेक्ट बन चुका है, अभी तक हमने इसे रन करके नहीं देखा है, तो क्या हम अभी इसे रन कर सकते हैं? जी हाँ, हमारे प्रोजेक्ट में हमने अभी तक कुछ ऐसा किया नहीं है। पहले हम चेंज डायरेक्टरी करके हम अपने उस फोल्डर में चले जाते हैं जहां हमारा प्रोजेक्ट है, जो हमारा प्रोजेक्ट फोल्डर है, और उसके बाद मैं एक कमांड डालता हूं npm start, जो कि मेरे नोड के सारे पैकेजेस को, सारे पूरे प्रोजेक्ट को बिल्ड करके उसे एक लोकल होस्ट के पोर्ट पे रन करा देगा, और हम उसे एक्सेस कर सकते हैं। ये जो हमें साइट देगा, हम उस पे जाके जब अपने API एक्सप्लोरर पे क्लिक करेंगे तो हमें ये पेज खुलेगा। तो ये पेज क्या है, हमें हमारे कंट्रोलर्स इस पेज पे दिखेंगे, उन कंट्रोलर्स से हम अपने API एंडपॉइंट्स को निकालेंगे। अब ये जो सारी चीज़ है हम ये एक प्रोसेस वाइज करेंगे, तो आप अभी से परेशान मत होइए। अब हम अपने प्रोजेक्ट के मेन बिल्ड्स की तरफ चलते हैं, हमें जो बनानी है सारी चीज़ें, हम उसकी तरफ आगे बढ़ते हैं। तो हमें जो बनानी है, अब हम ये टर्मिनल को अभी के लिए हम इसे बंद कर देते हैं। हम इस सर्वर को, अभी जो स्टार्ट हुआ था हमारा लूप बैक का, हम इसे क्लोज कर देते हैं। अगर आप कंट्रोल सी दबाएंगे और उस पर वाई लिख देंगे, तो वो आपका सर्वर जो बन रखा था वो टर्मिनेट हो जाएगा। तो अब हम बात करेंगे कुछ कॉन्सेप्ट्स की जो कि आपको आगे ज़रूरत है, जिनकी लूप बैक 4 में काम करने के लिए। लूप बैक 4 में कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं जो आपको पता होने चाहिए लूप बैक 4 में काम करने के लिए। पहली चीज़, इसमें टाइप स्क्रिप्ट यूज़ होती है। टाइपस्क्रिप्ट एक तरीके का स्क्रिप्ट लिखने के लिए एक एक्सटेंशन होता है फाइल का, जो कि जब आप टाइपस्क्रिप्ट में होता है वो रन होने से पहले जावास्क्रिप्ट में कन्वर्ट होके और उसके बाद वो एग्जीक्यूट होता है। तो आपको हल्का सा इसका नॉलेज होना चाहिए, तभी आप इन फाइल्स में एडिटिंग कर सकते हैं। टाइपस्क्रिप्ट के बाद आपको पता होना चाहिए मॉडल्स। तो ये मॉडल्स क्या है आपको मैं अभी बताता हूँ। मॉडल्स और कुछ भी नहीं है, मॉडल्स होते हैं हमारे वर्चुअल टेबल। अब मैं इन्हें वर्चुअल टेबल क्यों बोल रहा हूँ, मैं इन्हें डायरेक्टली टेबल क्यों नहीं बोल दे रहा हूँ, मैं वर्चुअल टेबल क्यों बोल रहा हूँ, उसके पीछे एक कारण है। ये वर्चुअल इसलिए है क्योंकि जब हम इन मॉडल्स को बनाते हैं तब हम सिर्फ टेबल का स्ट्रक्चर डिफाइन करते हैं। इसका क्या मतलब है कि टेबल का स्ट्रक्चर डिफाइन करते हैं, इसका ये मतलब है कि हमने अभी तक वो टेबल कहीं भी डेटाबेस में इम्प्लीमेंट नहीं की होती है। हमने
अभी तक वो टेबल कहीं भी डेटाबेस में इम्प्लीमेंट नहीं की होती है। अभी बस हम उसका एक स्ट्रक्चर डिफाइन कर देते हैं, मतलब एक तरीके से वर्चुअली टेबल्स को क्रिएट कर देते हैं। अभी वो असलियत में एग्जिस्ट नहीं कर रही है डेटाबेस में, बट उनका हम स्ट्रक्चर लिख देते हैं। एज इन टेबल्स में कॉलम्स होते हैं और रोज होते हैं। तो एज इन एक चीज समझ लीजिए, आपको हर लूप बैक के टेबल में एक टेबल के लिए, क्योंकि ये RDBMS है तो आपको एक ID प्रॉपर्टी देनी ही होती है। इसके अलावा आप मान लीजिए हम एक यूजर टेबल बना रहे हैं, तो हम इस मॉडल का नाम यूजर देंगे, और उसके बाद मान लीजिए हम यूजर का नेम ले रहे हैं, यूजर का फोन ले रहे हैं, यूजर का हम ईमेल ले रहे हैं, और यूजर का हम लोग पासवर्ड ले रहे हैं। तो हम जो ये मॉडल्स बनाएंगे, इन मॉडल्स की हेल्प से हम अपने डेटाबेस में क्रड ऑपरेशंस करेंगे। क्रड ऑपरेशंस मींस क्रिएट, रीड, अपडेट एंड डिलीट। अभी इन क्रड के ऊपर हम बात करेंगे, हम ये क्रड कैसे इंप्लीमेंट करते हैं। मॉडल्स का मतलब आप बस इतना समझ लीजिए कि वर्चुअल टेबल होते हैं, हम इसमें टेबल का स्ट्रक्चर डिफाइन करते हैं कि हमारे टेबल में क्या क्या कॉलम्स होंगे या प्रॉपर्टीज होंगी, जिनका जब भी हम एक यूजर का इंस्टेंस बनाएंगे, जब भी हम एक बार किसी का रजिस्ट्रेशन करवाएंगे, रजिस्ट्रेशन पेज में जब हम उसका यूजर नेम लेंगे, यूजर फोन नंबर लेंगे, यूजर ईमेल लेंगे, यूजर पासवर्ड लेंगे, वो हम इसी फॉर्मेट में इस डेटाबेस में स्टोर करवाएंगे। अभी ये जो रजिस्ट्रेशन फॉर्म में लेने की बात है, ये हमारे प्रोजेक्ट में काफ़ी आगे आने वाला है। अभी के लिए आप बस मॉडल समझ लीजिए, मॉडल्स होते हैं वर्चुअल टेबल, टेबल का स्ट्रक्चर डिफाइन करते हैं हम इसके अंदर। अभी ये इम्प्लीमेंटेड नहीं होता है डेटाबेस के अंदर, इसीलिए हम इसे वर्चुअल बोलते हैं। मूविंग ऑन, नेक्स्ट चीज़ होती है हमारे पास लूप बैक फोर में डेटा सोर्स। डेटा सोर्स, सो ये डेटा सोर्स क्या है? ये डेटा सोर्स हमें जैसे एक नाम डिफाइन कर रहा है, ये डेटा का सोर्स। अब आप समझिए इस चीज से कि जो डेटा का सोर्स है वो कहाँ पे है, जो तुम हमारा MySQL का सर्वर है, जहाँ पे हम इस डेटा टेबल को, ये टेबल को स्टोर करवाएंगे। अभी ये वर्चुअली है, बट हम इस टेबल को यहाँ पे क्रिएट करवाएंगे, तो वो डेटा का सोर्स हमें यहाँ पे डिफाइन करना होता है। तो ये हमसे ऐसी चीज़ें पूछता है जैसे आपके डेटाबेस का नाम क्या है, आपका डेटाबेस कौन से होस्ट पे है, और आपका डेटाबेस कौन से पोर्ट पे रन कर रहा है, आपके डेटाबेस के टेबल का यूजर नेम क्या है, पासवर्ड क्या है। आपसे ये ऐसे क्वेश्चंस पूछता है एक डेटा सोर्स बनाते वक्त। हम डेटा सोर्स इसीलिए बनाते हैं बिकॉज ऑब्वियसली हम बैकएंड पे काम कर रहे हैं, तो हम डेटा की कनेक्टिविटी चाहते हैं। हम इस लूपबैक के प्रोजेक्ट में डेटा सोर्स से कनेक्ट करना चाहते हैं, तो हम डेटा का सोर्स देते हैं जहाँ पे वो डेटाबेस अभी रन कर रहा है, जिस होस्ट पे, जिस पोर्ट पे, डेटाबेस का नाम एंड उसका यूजर नेम और पासवर्ड। अभी मैं आप लोगों को ये सारी चीज़ें बताऊंगा कि ये सारी चीज़ें कहाँ मिलती हैं। फिलहाल के लिए मूविंग ऑन, डेटा सोर्स के बाद हमारा अगला चीज़ जो होता है वो होता है रेपोजिट्री। रेपोजिट्री, अब रेपोजिट्री से हम अपने टेबल के अंदर जैसा कि मैंने बताया था, क्रड लगाते हैं। क्रड मतलब होता है क्रिएट, रीड, अपडेट एंड डिलीट। तो ये क्रड का मतलब होता है। अब ये सारे ऑपरेशंस होते हैं। अब इसके अंदर अलग अलग तरह के ऑपरेशंस हो सकते हैं, क्रिएट, रीड, अपडेट, डिलीट के अंदर भी अलग अलग तरह के ऑपरेशंस हो सकते हैं जो हम परफॉर्म करें, बट बेसिक ऑपरेशंस यही होते हैं। इनके ऊपर हम कुछ अलग तरीके से, पर्टिकुलरली हम एक बार में 10 लोगों का क्रिएट कर सकते हैं इंस्टेंस, या फिर हम 10 लोगों का रीड कर सकते हैं, या एक ही का करना है, या अपडेट करना है तो किसी का ID से अपडेट करना है। तो ये सारे ऑपरेशंस हम इन चीज़ों से अपने बैकएंड में डेटाबेसिस पे लगाते हैं। तो हम अपने मॉडल में रेपोजिट्री बनाते हैं उस मॉडल के लिए, उसमें उसका डेटा सोर्स डिफाइन करते हैं, और हम ये रेपोजिट्री बनाते हैं हम अपने टेबल के लिए, वर्चुअल टेबल के लिए, ताकि हम उसमें क्रिएट, रीड, अपडेट, डिलीट जैसे ऑपरेशन कर सके। तो हम अभी ये सारा का सारा चीज कमांड लाइन में भी बनाएंगे। इसके बाद फोर्थ स्टेप है कंट्रोलर्स। नाउ दीज आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ लूपबैक फोर। मेरा कहने का मतलब ये है कि ये जो कंट्रोलर है, यही आपको आपके APIs का फंक्शन डिफाइन करता है। इसमें आपके APIs डिफाइंड होते हैं कि वो APIs क्या काम करने वाले हैं, जब वो कॉल होंगे तो वो क्या काम करेंगे, कहाँ कनेक्टिविटी बनाएंगे, कहाँ क्या डेटा भेजेंगे, कितना डेटा भेजेंगे या क्या डेटा लेके आएंगे, कहाँ अपडेट करेंगे, डिलीट करेंगे। ये सारा का सारा जो API का काम होता है वो यहाँ पे डिफाइंड होता है, और इसके बाद हमें यही कंट्रोलर्स
हमें यही कंट्रोलर्स हमें यहाँ पे मिल जाते हैं, हमें इस पेज, इस एक्सप्लोरर पेज पे मिल जाते हैं। ठीक है, तो अभी आप लोगों को अगर ये चीज़ें समझ में आ गई हैं तो इट्स ओके। अगर अगर आपको नहीं आई हैं तो हम अभी इन सब चीज़ों का प्रैक्टिकल करके देखने वाले हैं, तो आप लोगों को इससे थोड़ा सा ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड वेट फॉर द पार्ट 2। थैंक यू।